इंडिया को टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जिताने वाले नीरज चोपड़ा आज 140 करोड़ इंडियंस की शान बन गए हैं। लेकिन उन्हें ये सक्सेस यूं ही हासिल नहीं हुई, बल्कि इसके लिए उन्होंने करीब 12 साल तक कड़ी मेहनत की और तब जाकर वो 80 किलोग्राम के एक व्यक्ति से ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा तक का सफर तय कर पाए। 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा के पानीपत जिले के खांद्रा विलेज में जन्मे नीरज को बहुत ही छोटी एज से खेलों से लगाव था। उनके पिता सतीश कुमार पेशे से एक किसान थे, जो कि ज्यादातर समय खेती में ही बिजी रहते थे। एक तरफ जहां नीरज अपनी स्टडीज पर ध्यान दिया करते थे, तो वहीं दूसरी तरफ उनका ध्यान खेलों की तरफ भी लगा रहता था। वैसे तो नीरज को परिवार में सभी का प्यार मिलता था, पर उनकी दादी नीरज से कुछ ज्यादा ही प्यार करती थी। फिर उनकी दादी के प्यार का आलम कुछ इस प्रकार था कि उन्होंने नीरज के खान पान में कोई कमी नहीं रखी और वो हमेशा ही नीरज को रोटी, घी, शक्कर खिलाती रही, जिस वजह से वो बचपन में बहुत ही ज्यादा गोल मटोल हो गए और महज 11 साल की एज में ही उनका वेट करीब 80 किलोग्राम हो गया। उनका ये बढ़ता वेट उनके लिए लगातार प्रॉब्लम क्रिएट करता जा रहा था, इस वजह से वो अपना वेट कम करने के विचार से एक दिन अपने चाचा के साथ पानीपत स्टेडियम जाते हैं। स्टेडियम पहुंचते ही उन्हें वहां कुछ एथलीट्स जैवलिन थ्रो करते हुए दिखाई देते हैं और उन्हें ये स्पोर्ट इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो तुरंत ही इस स्पोर्ट को खेलने का मन बना लेते हैं। नीरज का स्पोर्ट्स की तरफ झुकाव देखकर उनके चाचा नीरज को स्पोर्ट्स में भेजने का डिसीजन लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके चाचा इस खेल के प्रति नीरज के पोटेंशियल को समझ रहे थे। इधर नीरज, जो कि पहले ही जैवलिन थ्रो में जाने का विचार कर चुके थे, उन्होंने बिना किसी देरी के पानीपत के स्टेडियम में जैवलिन थ्रो करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने पहली बार जैवलिन थ्रो करना शुरू किया था, उस वक्त नीरज की एज 11 साल की थी। खैर, इसी तरह जैवलिन थ्रो करते करते कुछ साल बीत गए और फिर 2014 एक ऐसा साल बनकर आया जब नीरज ने करीब 7000 रुपए से खुद का एक पर्सनल जैवलिन खरीदा और उससे रोजाना प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। अपनी इसी कठिन प्रैक्टिस की वजह से नीरज जैवलिन थ्रो में लगातार बेहतर होते जा रहे थे, क्योंकि अब उनका वेट भी काफी ज्यादा कम हो गया था। हालांकि जैवलिन थ्रो को करियर के रूप में चुनना नीरज के लिए आसान नहीं था, क्योंकि वो एक ऐसे देश से बिलोंग करते थे जहां क्रिकेट को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। लेकिन फिर भी नीरज ने हार नहीं मानी और वो अपने फेवरेट स्पोर्ट जैवलिन थ्रो पर ध्यान केंद्रित करते रहे। 2016 की एक सुबह नीरज की लाइफ में सब कुछ बदल गया, क्योंकि उन्होंने पोलैंड में हो रही जैवलिन थ्रो वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप को जीत लिया। इस जीत के साथ ही इंडियन न्यूज चैनल पर नीरज छा गए, क्योंकि उन्होंने महज 19 साल की एज में ही ये कारनामा कर दिखाया। दोस्तों, उन्होंने इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में 86.48 मीटर की दूरी तक जैवलिन थ्रो करके न सिर्फ ये चैंपियनशिप जीती, बल्कि इतनी कम एज में सबसे ज्यादा दूर तक जैवलिन थ्रो करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना डाला। अपने इसी फॉर्म को बरकरार रखते हुए आगे चलकर 2017 में भुवनेश्वर में हुई एशियन चैंपियनशिप को भी जीत लिया, जहां उन्होंने 85.23 मीटर का थ्रो किया। लेकिन जिस तरह हर एक एथलीट की लाइफ में कठिन समय आता है, ऐसा ही कठिन समय नीरज चोपड़ा की लाइफ में भी आया, क्योंकि एशियन चैंपियनशिप जीतने के बाद 2017 में वो अपना फॉर्म खो बैठे, जिस वजह से वो 2017 में हुए प्रेस्टीजियस IAAF डायमंड लीग इवेंट में 7वें पोजीशन पर हारे। खैर, वो इससे निराश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने पर्सनल लेवल पर खुद के अंदर सुधार करने की कोशिश की, जिसके बाद वो दुनिया के टॉप 10 जैवलिन थ्रोअर की लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब हो गए। नीरज को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाने के लिए इसी दौरान जैवलिन थ्रो के लेजेंड कहे जाने वाले जर्मनी के UWE होहेन को उनका कोच बना दिया गया। इसके बाद तो मानो नीरज के अंदर और भी ज्यादा पावर आ गई, क्योंकि लेजेंडरी UWE होहेन के अंडर ट्रेनिंग लेने के बाद नीरज ने 2018 में 86.47 मीटर का थ्रो करके कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। इतना ही नहीं, 2018 में ही जकार्ता इंडोनेशिया में हुए एशियन गेम्स में भी नीरज ने 88.06 मीटर का सीजन का बेस्ट थ्रो लगाकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में गोल्ड हासिल कर लेने के बाद तो मानो नीरज को एक अलग ही पहचान मिल गई, क्योंकि अब उन्हें और उनकी सक्सेस को हर कोई जानने लगा था। जिसके बाद नीरज को इंडियन आर्मी में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर की पोस्ट पर जॉब ऑफर की गई, जिसे नीरज ने बिना किसी परेशानी के साथ एक्सेप्ट भी कर लिया, क्योंकि उनके हिसाब से उस वक्त अपनी ट्रेनिंग को सस्टेन करने के लिए उन्हें सच में एक जॉब की बहुत जरूरत थी। जिस नीरज ने जैवलिन थ्रो के अपने शुरुआती सफर में महज 7000 रुपए का जैवलिन खरीदा था, उसी नीरज ने अपनी मेहनत के दम पर इंटरनेशनल लेवल पर जाकर एक नेशनल कैंप से 1,00,000 रुपए का जैवलिन खरीदा, जो साबित करता है कि वो अपने स्पोर्ट से कितना ज्यादा प्रेम करते थे। दोस्तों, उनकी इसी प्रेम और इसी सच्ची लगन की वजह से आज भारत ने ओलंपिक इतिहास में एथलेटिक्स का अपना पहला मेडल जीता है, और वो मेडल भी कोई छोटा मोटा मेडल नहीं, बल्कि गोल्ड मेडल है, जो दिखाता है कि अगर सच्ची लगन हो तो इस दुनिया में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें, और जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया वो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।